19 साल की उम्र में खुद का घर बनाना और पहली मर्सिडीज खरीदना। एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ कैसे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है? पैसा बनाना है तो यू हैव टू फोकस। स्कूल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल के बाहर भी दूसरे 8 सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने चैनल पे आज आप लोगों के लिए इन्वाइट किया है स्नेह भाई को। स्नेह भाई जो कि मैं आप लोगों को बता दूं मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, 25 लाख स्टूडेंट्स को ये कोचिंग दे चुके हैं, 25 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी जो ट्रेनिंग है प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम स्नेह भाई से समझेंगे कि एक स्टूडेंट जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ कैसे एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। मेरा जो फर्स्ट सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे लगता है कि ना आज का जो समय है वो पैसे बनाने के लिए सबसे सही है आज की डेट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, अगर एक स्टूडेंट शुरू करना चाहता तो उसको कैसे अपनी अप्रोच रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? एक बात तो पक्की है कि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर पैसा बनाने के लिए अब 1, 10 या 100 नहीं 1000 ऑप्शंस खुल चुके हैं। एंड द ऑनलाइन वर्ल्ड हैज गिवन ऑल दिस ऑप्शंस टू अस। पहले का माहौल था कि आप पढ़ाई करो, डिग्री पाओ, लेकिन अभी का माहौल ज्यादातर स्किल पे चले गया है। जैसे 3 इडियट्स में कहा गया था कि भाई आप काबिल बनो, सफलता खुद ब खुद आएगी, वो आ चुका है वो जमाना। एब्सोल्युटली। एंड अगर आज कोई भी स्टूडेंट या बच्चा भी पैसा बनाना चाहता है तो इट्स इजी, बिकॉज मैं खुद 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था और मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी संभव हो सकता है, बट एक माइंडसेट की जरूरत है पहले। तो माइंडसेट जब मैं कह रहा हूं तो मुद्दा बस इतना ही है कि यार पैसा बनाना है तो यू हैव टू फोकस कि भी हाँ मुझे पैसा बनाना है, और रास्ते बहुत सारे हैं, उसमें से चुनाव करना है कि मुझे इस रास्ते से शुरुआत करनी है। आपकी मैं जर्नी देख रहा था, आपने बहुत कम उम्र से इस चीज को करना शुरू कर दिया, तो वो हुआ कैसे? वो पेरेंट्स का सपोर्ट था या आपकी क्या उस समय स्ट्रेटेजी थी, क्या आपका माइंडसेट था, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग ही बहुत लेट करते हैं जी, इस वजह से शायद इतनी अपॉर्चुनिटी लेटर स्टेजेस में नहीं मिल पाती। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट। सो मेरे पेरेंट्स ही जानते थे कि स्नेह सिर्फ स्कूल में जाएगा ना तो भीड़ में रहेगा, क्योंकि लाखों बच्चों जो पढ़ रहे हैं, अगर हमारा बच्चा वही पढ़ेगा तो अलग कैसे बनेगा, और मुझे अलग बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा, 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू किया, 7-8 साल की उम्र पे मैं कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, 10-11 साल की उम्र पे योग, 13-14 साल की उम्र पे रेकी वास्तु प्राणिक हीलिंग, 16 साल की उम्र पे मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू करी। तो ये सारा मेरे पेरेंट्स का इंस्पिरेशन था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना समझाया कि बेटा स्कूल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल के बाहर भी दूसरे 8 सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने हैं, और उन्होंने मुझे रियल लाइफ के टीचर्स, कोचेस और गुरुओं के पास भेजा। ठीक। तो आज जो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना तो अपने पेरेंट्स को दिखाना, तो इसीलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास ये जो विजन था ना कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं होने वाला है, रियल लाइफ का एजुकेशन जरूरी है। आज फॉर्मल एजुकेशन हमें तैयार तो कर रहे हैं बट वो लिमिटेड है और वो हमें भीड़ में रखता है, क्योंकि वो सारे सभी तो पढ़ रहे हैं, तो अलग क्या है? तो अलग ये है कि भी आप रियल लाइफ के एजुकेशन में आओ और वो जो स्किल सेट रियल लाइफ से मिलते हैं उससे ग्रोथ होना शुरू होता है। अब जहां तक मेरी शुरुआत का सवाल है, तो मैं तो एज अ हॉबी, एज अ पैशन स्टेज पे आया 9 साल की उम्र पे, मैंने कहीं मेडिटेशन सीखा था, कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग सीखा था, तो वो सिखाना शुरू कर दिया, और वो सिखाते सिखाते मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार ये मजेदार काम है, लोगों की तालियां मिलती थी, अच्छा लगता था। और जब मैं 16-17 साल का हुआ तो हमारे फैमिली में फाइनेंशियल चैलेंजेस आए और मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हुई, घर बिक गया। सो आई वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली बट मैं 16 साल की उम्र पे गरीब बना था। अब अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते ना तो आप मान लेते हैं कि आप गरीब एक्सेप्ट करते हैं, अमीरी से गरीबी आना। हाँ, ये थोड़ा उल्टा था मेरे लिए और आसान भी नहीं था। अब ऐसा हुआ कि जब मेरी स्कूल खत्म हुई तो मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर नहीं कर पाए कॉलेज के लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि करूँ क्या, तो मैंने वेट किया थोड़ी देर के लिए, फिर रियलाइज हुआ कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यू हैव टू टेक अप द चार्ज, यू हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 17 की उम्र पे मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार मैं पैसा क्यों नहीं कमा सकता और अपने परिवार को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। अब इस सोच के साथ मैंने पूछा कि यार मेरे पास स्किल क्या है जिससे पैसा बन सकता है, क्योंकि मैं सबको बताना चाहूंगा कि डिग्री से पैसा नहीं बनता, स्किल से पैसा बनता है। तो अब मेरे पास स्किल थे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कोचिंग, थोड़ा बहुत स्टेज से कुछ सेल्स भी किया हुआ था, तो इसमें स्किल्स को मैंने कंबाइन किया, खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया,
एंड गेस व्हाट, उस जमाने में हम लोग किराए के मकान में थे, 22 लाख रुपए का कर्जा, तब का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख हो सकता है, एंड अब सिर्फ 2 साल के अंदर हम उस कर्जे से बाहर निकल पाए, खुद का घर बना लें और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी। बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अगर 19 साल की उम्र पे मैं ये कर सकता हूँ, और उस जमाने में जब अभी तो इंटरनेट और ये सारी चीजें कॉमन भी नहीं हुई थी, तो आज तो संभावनाएं अनलिमिटेड है। यस, इसीलिए मैं अपने मतलब फॉलोवर्स या जो व्यूअर्स हमारे उनको कहता हूँ कि आज सबसे बढ़िया टाइम है टू यू नो अर्न मनी। सो लेकिन उसके लिए स्किल्स की जरूरत है जी। लाइक बट यहाँ पे जब हम ऑडियंस को देखते हैं, सो दे आर लुकिंग कि हम बहुत शॉर्टकट में पैसा बना रहे हैं, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो एज पर यू आज की डेट में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, जिसपे इसको सबसे पहले सीखना चाहिए, जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, पहले तो आपने कहा कि शॉर्टकट से नहीं, तो उसी पर मैं ऐड कर लूं कि कहीं लोग सोचते हैं कोई MLM, कोई टीम बना लेना, कोई गेम खेल लेना या कुछ ट्रेडिंग करके बना लेना। अब देखिए, मैं मना नहीं कर रहा कि इसमें से कुछ संभव नहीं है, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उसमें भी स्किल लगता है, उसमें भी नॉलेज लगता है, उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके बनाने वाले लोग बना रहे हैं। इफ यू थिंक कि भाई आज करके कल सुबह में अमीर बन गया, तो ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ बिल्डिंग, देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट कभी कभार लॉन्ग कट बन जाते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं कि आज के ऑप्शंस क्या है, तो आज नंबर वन सिंपल, जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहां पर आज कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके भी अब फॉलोअर्स होंगे, जो आपसे इंस्पायर होकर के महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अच्छा कॉन्टेंट बना करके। और आज यही नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। जब आप एक कॉन्टेंट बनाते हैं तो आपके खुद का है, और उसी कॉन्टेंट को आप मल्टीपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उसका ब्लॉग बना लो, बिल्कुल, एक लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियोस रील्स में कन्वर्ट कर लो, आप उसी लॉन्ग वीडियो को एक बुक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ वीडियोस को एक बुक में कंपाइल कर सकते हैं, और वो बुक के द्वारा भी अर्निंग पॉसिबल हो सकता है। उसी के अंदर से आप एक अपना खुद का कोर्स या वेबिनार बना सकते हैं। एंड आज हम जानते हैं कि कोर्सेस अटेंड करना बहुत कॉमन बन चुका है, लोगों को पता चल गया है कि किताबी ज्ञान अब काफी नहीं है, रियल लाइफ का नॉलेज चाहिए ही चाहिए, एंड कोर्सेस के द्वारा भी कमाल की चीजें हो सकती है। बट उसके लिए अगेन पहले हमें अपने अंदर स्किल्स लाने पड़ेंगे, राइट। और मैं ऑडियंस को बता दूं, स्नेह भाई जो बता रहे हैं, ये एक्चुअल में ये सारी चीजें कर रहे हैं, एंड ही इज जनरेटिंग करोड्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट। सो उसी बेसिस पे है कि यू हैव टू लर्न समथिंग, उनको पहले कुछ सीखना पड़ेगा मुझे लगता है। सो अभी जैसे पब्लिक स्पीकिंग है या फिर यूट्यूब पे आना है, सबके लिए वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो बहुत सारी चीजें लोगों को बताता हूँ कि इनके अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं इंटरनेट से या फिर ऑफलाइन आज की डेट में पैसा बनाने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं, अगर हम सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो, अगर वो पैसा बनाना चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं? राइट, अगर सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो सिंपल, अगर हमारे पास खुद का कोई कॉन्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है, राइट, तो किसी और का हम बेच सकते हैं। एग्जैक्टली, अफिलिएट मार्केटिंग, ये नई चीज जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको पता लगे। यस, ईमेल मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, यू नो ट्रैफिक कहीं पहुंचा रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका बन सकता है। ऑफलाइन के अंदर भी आज ऐसे ऐसे एवेन्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आज हम फिटनेस कोच बन नहीं पा रहे, या फिर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से आज एक 6 महीना अच्छा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप जो अर्निंग उसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहीं लोग ऐसी भी चीजें कर रहे हैं कि भाई यू नो ये स्टूडियो में जहां पर हम बैठे तो कस्टमाइजेशन ऑफ सच स्टूडियोज। तो मार्केट की नीड को समझना जरूरी है, अगर पैसा बनाना है तो यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू इन सम वे, क्योंकि सामने से चल के आपको कोई पैसा नहीं देने वाला, तो आप या तो सामने वाले का प्रॉब्लम खोजो जिसका सोल्यूशन दे सकते हैं, और या फिर मार्केट की नीड पकड़ो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हेन यू डू दैट यू आर श्योरली गोना मेक मनी। बट इसमें मैं छोटी सी चीज ऐड करता हूँ, हाई इनकम स्किल्स। मेरे मुताबिक 2023 में अगर आज बैठे तो हाई इनकम स्किल्स में नंबर वन स्किल है सेल्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारे हाई इनकम स्किल्स हैं।
और ये ऐसे स्किल्स है जो स्टूडेंट्स कहीं से भी सीख सकता है। आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है प्रवीण जी की उसके लिए चार चार साल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। चार महीने भी हो सकता है, दो महीने में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका ग्रास्पिंग पावर कैसा है और आप किससे सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, और बहुत सही बात की कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है पैसे बनाने के लिए, बैकएंड में बहुत सारे काम है। अगर आप वीडियो मेकिंग का या फिर कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस देखिए, उसके बैक में बहुत सारे काम है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के आती है जो एक स्टूडेंट कर सकते हैं। दीज आर एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो यू डोंट नीड टू स्टार्टिंग में कि आप कोई यू नो पेड प्रोग्राम ही अटेंड करें। बहुत सारे लेक्चर्स तो मेरे ख्याल फ्री में भी है। और शुरुआत तो सिर्फ अपने मोबाइल फोन से करनी है। उसके लिए भी कोई महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता नीचे एक कमेंट आ जाएगी, सर लेकिन पैसा तो लगेगा कैमरा खरीदने के लिए। आपको क्या आता है और आप उससे कैसे शुरू करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जितना है उतना काफी आपको आगे ले जाने के लिए। लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास कम है, ये होगा तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा और आ जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज नॉट राइट थिंकिंग। सो मैं आपसे अभी कुछ नाम लेना चाहूंगा आप लोगों आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी स्ट्रैटेजी दे। अगर एक स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यूट्यूब शुरू करना चाहता है, तो उससे आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है एज पर यू। मैं और भी बहुत सारे नाम लूंगा तो आप अपनी स्ट्रैटेजी दीजिएगा। मैं चाहूंगा आप प्रिसाइज रहे, शॉर्ट रहे, और एक जो देख रहे हैं व्यूअर्स वो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उससे आपकी थिंकिंग जानने का मौका मिल सके। तो सबसे पहले तो YouTube की बात करते हैं। अगर 2023 में किसी को YouTube शुरू करना है तो what should be the best strategy? Number one is आपका niche, आपका subject select करो, ठीक है। Number two, specific content बनाना शुरू करो, ठीक है। आगे पीछे की बातें काट दो, ठीक है। जितना मुद्दे पे रहोगे, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दोगे, लोग पसंद करेंगे। Exactly. और तीसरा है लाइव हो जाओ उसके ऊपर, मतलब कि एंगेज करो अपनी ऑडियंस के साथ और ऑडियंस को सुनो कि उनको क्या चाहिए। सो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ब्लॉग अगर कोई 2023 में शुरू करना चाहता है तो पहले तो क्या ब्लॉग शुरू करना सही रहेगा एज पर यू, क्योंकि आप ब्लॉगिंग वगैरह पे भी अपना कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और करना चाहेगा तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? सो वीडियो से पहले का वर्जन था ब्लॉग, अब वीलॉग बन चुका है, लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। लेकिन ब्लॉग के जो रीडर्स हैं वो एक अलग सेगमेंट के रीडर्स हैं, भले वो कम है, वो रीड तो ब्लॉग ही करते हैं। हाँ, उनका एजुकेशन लेवल अलग रहता है, और इसलिए आज भी हार्वर्ड हो या उस लेवल के ब्लॉग्स चल ही रहे हैं, मैगजीन्स भी चल रहे हैं, भले रीडरशिप कम है बट वो कैटेगरी अलग है। अब उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हर सुबह उठ करके 15-20 मिनट आधा घंटा दो लिखो जो आपके थॉट्स हैं। डोंट राइट इन अ वे कि भी मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉग बनाना है, राइट इन अ वे कि एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, और जितना वो कंपाइल होते जाएगा उसे चाहो उतना आप बाद में काट कूट के एडिट करके रख सकते हैं कोई पर्टिकुलर लेबल और टाइटल के साथ, और फ्यूचर में उसकी एक बुक भी बना सकते हैं। बिकॉज आई पर्सनली फील एनी फॉर्म ऑफ बिकमिंग अ ऑथर गिव्स यू अथॉरिटी। AI जब से आया है, डू यू थिंक ये ब्लॉगर्स की लाइफ थोड़ी और इजी कर रहा है? Yes. और वो काफी सारी जॉब्स को खत्म भी कर रहा है, बट आई स्टिल पर्सनली फील कि चैट जीपीटी टाइप के जितने भी AI आ रहे ना, उसमें ऑप्शंस बढ़ते ही जाएंगे, बट एक खुद का फीलिंग और इमोशन डालने की एबिलिटी जो हमारे अंदर है वो नहीं आएगी अभी। तो जेके रॉलिंग या रोंडा ब्रायन चैट जीपीटी से नहीं बन सकता। Exactly. मुझे भी ये लगता है, लोग मुझे कम, अभी हमने चैट जीपीटी पे एक वीडियो बनाया तो उसपे नीचे बहुत सारे ऐसे ही कमेंट आए कि अब तो सर जॉब खत्म हो जाएगी, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बट व्हाट आई फील कि मैंने बार्ड यूज किया गूगल का, चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का, और इसके अलावा कोरा ने भी अपना एक AI डाला अभी, उनका भी आ गया। सो ये एक तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम सी है, इसमें एक इमोशन जैसा आप कह रहे हैं वो नहीं है। सो अगर ये हमारी हेल्प जरूर कर सकते हैं टू रिसर्च कॉन्टेंट, बट आई डोंट थिंक ये अभी एकदम रिप्लेस हो जाएंगी चीजें, दैट्स व्हाट आई फील। तो ये चीज है। मैं तीसरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग? अभी लोगों को लगता है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है जी, तो बड़ी बात है कि एंड यू आर मोटिवेशनल स्पीकर। सो आप तो इतने सालों से कर रहे हैं एंड यू हैव स्केल अप सो मच, सो उसमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या उसको अपनी शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकिंग से करनी चाहिए, कोई जो
व्यूअर देख रहा है या फिर क्या अप्रोच आनी चाहिए? मुझे लगता है आपसे बेटर ये आंसर कोई नहीं कर सकता। एक जमाने में मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत बड़ा था, आज नहीं है। आज है सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो जितने भी अच्छे अच्छे नाम है जिनको मोटिवेशनल स्पीकर्स मानते हैं एक्चुअली वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। आज विवेक बिंद्रा जी है तो वो बिजनेस एक्सपर्ट है, संदीप महेश्वरी है तो वो टीनेजर्स के लिए एक एक्सपर्ट है, लाइफ स्किल्स, करियर के ऊपर। यस, लाइफ स्किल्स। वैसे ही अगर हम सोनू शर्मा जी की बात करें तो वो एक नेटवर्किंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। सदगुरु जी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन अ वे वो सारे मोटिवेट ही कर रहे हैं, बट वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट का चुनाव करना जरूरी है रेदर देन बीइंग अ जेनेरिक मोटिवेशनल स्पीकर। आई थिंक ये थोड़ी सी लोगों को बात नहीं लग रही होगी और ये चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि अभी होता क्या है, बिकॉज लास्ट कुछ समय से बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं। सो लोगों को क्या लगता है कि इट्स अ नीश कि आप मोटिवेशनल पे वीडियो बनाए चल जाते हैं और आप रेवेन्यू उससे रेवेन्यू क्रिएट कर लेंगे। बट जैसे स्नेह भाई बता रहे हैं कि You have to have some kind of subject expertise. उसमें आप content बनाएंगे, yes. So that would be more help. मैं इसमें छोटी सी चीज add करता हूँ कि अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तीन स्टेप्स पॉजिटिव होने के लिए, तीन स्टेप्स मोटिवेटेड रहने के लिए, तो नीचे कमेंट आने वाली है कि सर ये सिखा दो, दिन का 1000 रुपया कैसे बन सकता है, अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। Yes, absolutely. I mean, पैसे से बड़ा क्या मोटिवेशन है, right? और पैसा भी तभी बनेगा जब वो कुछ सीखेंगे उस लेवल का, जो आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स ट्राई कर रहा है। अच्छा, जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो अभी ना, अगर आप मनी मेकिंग या ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में देखें तो बहुत सारे लोग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को सर्च करते हैं। यस, बहुत सारी एप्लीकेशन वेबसाइट है भी, बट ज्यादातर वेबसाइट्स जो है काम नहीं करती है, वो छोटे मोटे पैसे दे रही है, आई थिंक उससे कुछ होने वाला नहीं है, 100-200 या जो भी। तो अभी अगर कोई एप्लीकेशंस को यूज करना चाहता है, मैंने बहुत सारी बताई है बट मैं आपका भी टेक जानना चाहूंगा आपके व्यू से, कि कौन सी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स एक स्टूडेंट या फिर व्यूअर्स के लिए हो सकती है जिस पे वो फोकस कर सकता है पैसे कमाने के लिए। अब देखिए, अगर छोटा छोटा कमाना है तो बहुत सारे मुझे लगता है कि ऑप्शंस अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च कर लो, आपके काफी सारे वीडियोस में आपने सिखाया है। बट इसमें मेरा टेक ये रहेगा कि रेदर देन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, क्रिएट योर ओन सिस्टम। सी, यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करना चाहूंगा कि पैसा आइडिया से बनता है, इनोवेशन से बनता है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दिमाग के मसल्स को यूज करना है और कुछ ऐसा इनोवेट करके खुद का क्रिएट करो कि जिसमें अगर आप जीरो से भी शुरू करोगे ना और 1000 लोगों तक भी पहुंचोगे ना तो भी उससे तो ज्यादा ही कमा लोगे जो किसी के सिस्टम में जाके करोगे आप। एंड अगर आपको उसे स्केल अप करना आता है, अगर आप उसमें कोलैबोरेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स को ला सकते हो, आप उसे सही में अच्छी वैल्यू ऐड करोगे तो 1000 से 10000 और 10 लाख तक पहुंचने में आज वक्त नहीं लग रहा है। हर एक अच्छी चीज आज वायरल हो रही है, वक्त देना पड़ता है। कभी आप अपना चैनल भी शुरू करें तो पहले 6 महीने शायद कोई वीडियो ना चले, इवन दो योर कंटेंट इज गुड, बट जब 6 महीने के बाद एक वीडियो भी चल जाता है और मिलियन में जाएगा ना तो दूसरे सारे वीडियो को खींच लेगा। लेकिन वो 6 मंथ तक जो पेशेंस लेवल चाहिए वो आई थिंक लोग लेके नहीं आ पाते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग दिस आर नॉट सक्सेसफुल। सो मुझे ऐसा लगता है, और मैं कुछ ऐड भी करना चाहूंगा, आपने बहुत सही बात की कि अगर एक व्यूअर अपना ही सिस्टम क्रिएट कर सके, अपनी ही वेबसाइट या एप्लीकेशन बना सके, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। और आज की डेट में चीजें चल रही है और स्केल करना भी आसान है। बट अगर आप वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग एप्लीकेशन है और ये अपॉर्चुनिटी भी हर किसी को दे रहा है, नॉट एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर या कॉन्टेंट क्रिएटर। आप फेसबुक का एड भी चलाना जानते हो तो फेसबुक में बहुत सारे आपकी अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। इंस्टाग्राम में अगर आप खुद का कॉन्टेंट नहीं बना रहे, किसी का इंस्टा मैनेज भी कर रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजर्स की भी आज बहुत डिमांड है, तो भी उनके लिए मौके हैं। तो मौके बहुत सारे हैं, बट जैसा आपने कहा, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात कुछ नहीं मिलता है। तो वो एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, एंड वो चीज समझ जाते हैं तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। यस, राइट। सो नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल रहेगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑन डेटा एंट्री जॉब्स, और ये सब चलती है? मुझे लगता है कि ये सब का इतना फ्यूचर नहीं है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? धीरे धीरे वो खत्म होना ही होना है, एंड अल्टीमेटली उससे आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ई कॉमर्स? E-commerce के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके फ्यूचर और स्ट्रेटजीज के बारे में? E-commerce is the future and is only the future. Right.
ऐसा भी समझिए कि ये मेटावर्स का भी रूप लेगा, कि जहां पर जैसे आज हम फोटो और वीडियो देख के कोई चीज खरीद रहे तो यू नो वीआर लगा के अंदर उतर करके उसे एक्सपीरियंस करके भी खरीदने वाले। सिंपल एग्जांपल कुड बी जैसे गेमिंग में आज हो रहा है समथिंग वेरी सिमिलर, और उसके लिए एडवांस वर्जन में जाएंगे। बट हम ये बात कर रहे हैं आने वाले 15-20 सालों के लिए। It's going to take some time. And in fact, there are some prototypes available in the market. Yes. अभी Shark Tank में शायद पिछले सीजन में कोई आके गया था पिक्चर, उसने कुछ ऐसा ही शो किया था कि आपको अगर लुक एंड फील लेना है कनॉट प्लेस का, तो उसने पूरा का पूरा अपना मेटावर्स क्रिएट किया। Correct. So इस तरीके से चीजें आगे आएंगी मेरे को लगता है, और ये फ्यूचर है ई-कॉमर्स का। और इसमें ना दो किस्म के लोगों की जरूरत है प्रवीण, एक सोचने वाला जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, और दूसरा उसे क्रिएट करने वाला डेवलपर भी चाहिए, और दोनों जगहों पर अपॉर्चुनिटीज की कमी है। सो आप देख सकते हैं नाम एक ई-कॉमर्स है, बट उसके पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व है। सो वो मेरे ख्याल से आने वाले लोगों के लिए जो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। यस, एंड इवन ई-कॉमर्स के द्वारा घर बैठ करके आप पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। आज मेरे वाइफ ऑफिस से ऑपरेट करते हैं, शी इज अ हेल्थ कोच। उन्होंने अपने सप्लीमेंट के ब्रांड को लॉन्च किया ई-कॉमर्स के ऊपर। आज एटलीस्ट महीने का 10 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, एंड शी इज जस्ट डूइंग इट अलोन। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए मैंने शेयर किया, दैट इंस्पायर्स आवर व्यूअर्स कि आप भी ये कर सकते हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज इतने इमेंस है कि शायद जो जिसने किया नहीं है ना उसको लगता है कि यार हो नहीं पाएगा, लेकिन आप जब एक बार चीजें अचीव करोगे तो आप ये पाओगे कि ये इंडस्ट्री से आप 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक भी रीच कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो मैं ये आपसे, चलो आई थिंक ये जो सेशन था, ये हमारा सेगमेंट था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने अर्ली स्टेज से शुरू कर दिया, और आपके अकॉर्डिंग अर्ली स्टेज से क्यों शुरू करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जैसा मैंने बताया कि 25-26 से सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे या ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। सो इंडिया में लेट काम करने का अभी ऐसा पैटर्न दिख रहा है। अगर आप यूएस वगैरह देखें तो वहां पे पार्ट टाइम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं जी। सो एज पर यू ये क्यों रिक्वायर है कि एक इंसान को जो मिडिल क्लास है उससे उस फील्ड से आता है, हम्बल बिगनिंग से आता है, उसको जल्दी शुरू करना चाहिए? आप शांति से सोचेंगे तो एक तो 25 साल हम किसी पर बोझ है, फिर काम करना है 30 साल एवरेज, क्योंकि 55 के आसपास तो फिर रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू हो जाता है, और एटलीस्ट और 15 साल निकाल लें, तो इन अ वे आप 40 साल कुछ ना करके जीना चाहते हो और 30 साल कमाना चाहते हो, ये नहीं चलने वाला। और उसमें भी आप सोचो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं। सी व्हेन यू प्लान अ फैमिली तो 4 लोग 5 लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। शांति से बैठकर एनालिसिस करेंगे तो आज हम ये जानते हैं दैट द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर। अब अमीर तो अमीर बनेंगे, लेकिन जो दूसरे दो सेगमेंट है मिडिल क्लास और पुअर, क्या लगता है उसमें से कौन अमीर अगले वाले बनने वाले? आई थिंक मुझे लगता है कि जो मार्केट की नीड को समझ के अपने आप को बदलेगा वही अमीर बनेगा। और अब इसमें मैं एक डीप डाइव लेता हूं, जो मिडिल क्लास है ना वो गरीब बनता जा रहा है, दैट्स व्हाट आई फील। यस, क्योंकि एक बंदा कमा रहा है महीने के 50,000, वो मिडिल क्लास है, वाइफ बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बोले वाइफ तुझे तो कुछ नहीं करना, तू घर पे रहना कमा रहा, बच्चा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पिताजी आप रिटायरमेंट ले लो, आपने मुझे पढ़ा दिया। अब आप अगर पर कैपिटा देखने जाओगे घर का, तो 50 डिवाइड बाय जब आप 5 करोगे तो 10,000 रुपए आ गया महीने का, वो बहुत कम है। अब देखो मजा, खर्चे देखो मिडिल क्लास के, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए, शादी में सबसे बड़ा खर्चा करना है, घूमने फिरने को चाहिए, मूवी और रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, और पर्सनल व्हीकल भी चाहिए। मुझे लगता है आज की डेट में गरीब ज्यादा पैसे बचा लेता है। यस, और अमीर क्योंकि या जो मिडिल क्लास है वो दिखावे में इतना रह गया कि वो पैसे बिल्कुल नहीं सेव करता। और गरीब के परिवार में इश्यू ये मजेदार ये चीज है कि खुद कमा रहा है, वाइफ को भी कहीं कहीं ना कहीं किसी का घर का काम करके खाना पका के वो थोड़ा कमा के लेके आ रही, बच्चा सातवीं आठवीं बड़ा बेटा लग जाए, पढ़ाई होगी नहीं होगी डजंट मैटर, उसकी सेविंग ज्यादा हो रही है अगर आप देखोगे। और पिताजी भी रिटायरमेंट लेके तो बैठ नहीं पाएंगे ना, तो रिक्शा चला रहे, फ्रूट सेल कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं। तो आज कुल मिला के शायद उस परिवार की पर कैपिटा एक मिडिल क्लास से ज्यादा होने की संभावना है, बस उसको ये है शायद पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना उस पैसों को। बट थैंक्स टू आप जैसे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो है हमारे, यू नो, जो अच्छा कॉन्टेंट डिलीवर कर रहे, तो वो गरीब भी अब समझने लगा
कि SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करने चाहिए वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि तो वो गरीब अगला अमीर बनने वाला है और मिडिल क्लास अपने कंफर्ट जोन की वजह से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई एक कमाए चार खाए, वो इंडिया का मॉडल अब नहीं है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यू हैव टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट अर्ली एज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है पैसों की वैल्यू समझना। सी, हमारे पूरे स्कूल के सिलेबस में पैसों के ऊपर का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। That's what the problem is. A plus B whole square, sin theta, cos theta, गंगा कहां से निकलती है, नर्मदा कहां से निकलती है, राजा अकबर ने क्या किया, मैंने अपने 12 businesses में अभी तक कहीं use नहीं किया। सही बात है, बिल्कुल कहीं use नहीं आया। अब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो हमारे logical mind को develop करता है, it's good. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो real life के skill sets है, अगर वो नहीं है वहां पर और पैसे कमाने की समझ नहीं है, नहीं कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या सीखने की जरूरत है? पैसे की वैल्यू, पैसे कैसे कमाने, इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करने, बिजनेस कैसे करना, यू नो स्किल्स कहां से लाने, अगर ये सिलेबस में ऐड हो जाए तो मजा आ जाए, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और वहां पर मुझे लगता है कि प्रवीण दिल्ली वाले जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतने लाखों लोगों को आपने ट्रेन किया, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप उनकी लाइफ में, और जो देख रहे हैं उनको भी आपका जो नॉलेज है वो मिल रहा है। सो आई थिंक ये इतनी बड़ा प्रॉब्लम है ना, इसमें मेरे अकेले से, आपके अकेले से काम नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा और आने वाला जो भारत है वो वर्ल्ड पावर बनेगा अगर हम सब मिलके काम करेंगे। और मुझे आपका अर्नशाला का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाम ही इतना बेहतरीन है, अर्नशाला। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर सीखना है तो आइए वहां, क्योंकि उसी से आपको प्रैक्टिकल स्किल मिल रहे हैं कमाने के ऊपर। तो यही हमारी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था अर्नशाला को लेके, वो भी यही था कि कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाए जिससे मार्केट में डिमांड हो। वी आर नॉट सेइंग कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, वी आर सेइंग कि 3 months का कोर्स करो, पार्ट टाइम करो काम, पढ़ाई अपनी जारी रखो, जो भी आपका बिग गोल है वो जारी रखो। सो इसका इसीलिए हमने अर्नशाला ऐप को क्रिएट किया, एंड डेफिनेटली चीजें सही जा रही है। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे पैसिव इनकम के बारे में, अभी हम ऑफिस में कैबिन में बैठ के भी बात कर रहे थे कि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू पैसिव इनकम, कि नहीं हमें तो फाइनेंशियल फ्री होना है, 30 से पहले कुछ काम करना है कि आगे कमाने की जरूरत ना पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज 95% लोगों पे काम नहीं करेगी, क्योंकि एक्टिव इनकम ही नहीं है तो पैसिव कैसे आप क्रिएट कर पाओगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहली बात तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बट पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये चीज स्किल चाहिए, आइडियाज चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। अब पॉइंट ये है कि आप 25,000 कमा रहे, उसमें से 5,000 बचा के इन्वेस्ट करने जाए तो कहां मल्टीप्लाई होने वाला है? तो आप 2 साल ये फोकस करो कि मैं ऐसा क्या सीखूं और क्या डिलीवर करूं जिससे वो 25,000 की कमाई को 2.5 लाख पे लेके जाओ, और वो 2.5 लाख में से अब अगर 1 लाख आपने सेव करके इन्वेस्ट कर दिया ना तो बहुत बड़ा, तब कमाल होना शुरू होता है। और तो भी ये करने के बाद भी बैठना नहीं, अब ये फोकस करो कि और मैं क्या सीख के ऐसा क्या डिलीवर करूं कि मेरा महीने का इनकम वही 2.5 लाख का 10 लाख पहुंच जाए या 25 लाख पहुंच जाए। सो व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 17, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुआ था कि अगर मैं छोटा छोटा डालूंगा कोई मतलब नहीं, तो अर्निंग कॉन्स्टेंट एक्टिव इनकम को मैंने बढ़ाया है और आज इस बात को 18 साल हो चुके हैं, और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स कुछ वैसे हुए कि वो मेरे एक्टिव इनकम से बड़े हो चुके हैं। सो बहुत बहुत सही बात है। लोगों को क्या लगता है कि अभी YouTube पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है 30 से पहले हमें रिटायर होना है, ये सब चीजें लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, बट एज यू सेड कि पैसिव इनकम के लिए पैसा लगता है बट एक्टिव इनकम के लिए स्किल्स लगते हैं। तो अगर वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जाए, सीखने पे जाए, उस पर थोड़ा पैसा खर्च करे, आज की डेट में सीखना बहुत ईजी है, कहीं से भी सीख सकते हैं, तो ही ग्रोथ हो सकती है, तो ही आपकी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। सो नेक्स्ट हमारा जो सवाल रहेगा कि आज की डेट में ना स्टूडेंट सोशल मीडिया को बड़ा यूज करते हैं बट नॉट फॉर यू नो आप कह सकते हैं कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा करते हैं, तो हाउ डू यू सी सोशल मीडिया, वो उसको कैसे यूज करे स्टूडेंट, आपके क्या टिप्स रहेंगे इस बारे में? मैं आपसे जानना चाहूंगा। नंबर वन, हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, क्रिएटर के माइंड सेट से उसे यूज करना है, और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मगर एजुकेशन के लिए। तो पहले तो गलत लोगों को अनफॉलो कर दो। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी बिताना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। तो जैसे आप अपना इनर सर्कल बदलते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आपका इनर सर्कल है, और जो चीजें आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपको वही दिख रही है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, उसके सजेशंस और रिकमेंडेशंस आपके सामने आ रहे हैं। तो यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर
कि मुझे ऐसी कोई चीजें नहीं देखनी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और मेरे लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। अब आप ठीक है सिंगिंग के फील्ड में है, डांसिंग के फील्ड में है, और इसीलिए आप वो डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं और उसमें से कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट जो सब्जेक्ट आपके साथ रिलेटेबल नहीं है, व्हाई वुड यू वेस्ट योर टाइम फॉर दैट? सो मैं क्या कहता हूँ, मेरी अप्रोच ये है कि अगर एक स्टूडेंट को वैसे ही वीडियो देखने तो वो हाफ एन आवर अपना देख ले कि मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो उसको कचरा देखना है सोशल मीडिया पे जो देख रहा है वो ग्रैब कंटेंट कैसे है वो देखे, बट उसके बाद हाफ एन आवर आपने यूज कर लिया, दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी टू स्टूडेंट्स कि उसके बाद आप उसको ना देखें। होता क्या है कि इतना एडिक्टिव है कि आप देखते चले जा रहे हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा जितना आपके पास फ्री टाइम है जो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगा सकते थे आपने वहां बर्बाद कर दिया। यस, और जैसा आप कह रहे हैं सही है कि जैसी चीज आप देखोगे वैसे आइडियाज आएंगे और वैसे ही आपका एक्शंस होंगे। और प्रवीण मुझे लगता है कि ये भी एक एडिक्शन है, एडिक्शन, इसलिए आप तो बहुत वो प्यारे टीचर है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि यार वो 30 मिनट का भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पता है यू नो वो टेस्ट लग गया ना तो चलते रहता है, वो करना ही क्यों है। सी अगर आप 99% लोगों की भीड़ में रहना चाहते हो, कब आए कब चले गए किसी को पता नहीं चला तो करो, बट आप वो 1% की कैटेगरी में रहना चाहते हो कि जो आते हैं समाज में परिवर्तन लाते हैं अपनी पहचान अपने पीछे छोड़कर जाते हैं तो इस माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि यार आप पूरी जिंदगी या तो हर हफ्ते राह देखोगे कि एक संडे कब मिले, और या फिर आने वाले 2 से 5 साल सुबह 5 बजे उठ रहे हो सवाल पूछना शुरू करो कि 9 बजे मेरा काम शुरू हो रहा है या स्कूल जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा हूँ उससे पहले मैं कैसे कमा सकता हूँ, 5 बजे शाम को फ्री हो गए वापस सोचना शुरू करो कि मैं कहाँ से कमा सकता हूँ। स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, आपकी लाइफ में टीवी हो सकता है, आईपीएल हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, दोस्त यार हो सकते हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल, वो मिलेगा, वो जाने कहीं नहीं वाला, क्योंकि जब जेब में पैसा होगा ना सब दौड़ जाएंगे, सब आएंगे सामने से, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, जिस दिन पैसा होगा उस दिन आप चुनाव कर पाएंगे। बहुत सही बात की आपने, और जितना जल्दी एक बंदा काम करना शुरू करेगा इन चीजों को एक्सप्लोर करेगा उतना उसके पास ऑप्शंस खुलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन की करनी है कैसे करें, लेकिन वो आप काम करके देखोगे बहुत सारे तो आपको पता लगेगा कि आप किस में बेस्ट हो। और यही रीजन है कि आज हमारे देश में पियोन की नौकरी निकलती है और एमबीए और पीएचडी वाले लाइन में, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सिस्टम की ज्यादातर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं, दैट्स व्हाट आई फील। और किसी भी काम को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, और आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे सेशंस देते हैं, सो हाउ अ स्टूडेंट और जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है वो अपना टाइम कैसे मैनेज करे कि वो पढ़ाई भी करे, उसके पास दूसरी चीजों के लिए भी टाइम हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी टाइम हो, दोस्तों के लिए भी टाइम हो, आपका क्या टेक है इस बारे में? एक ही वर्ड में देता हूँ, NO। अच्छा, नो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यार उस चीजों को मना करना शुरू करो जो आपको पता है कि आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, अनप्रोडक्टिव है, जो आपको कहीं पर भी लेके नहीं जा रहा। आई पर्सनली फील, देखो 24 घंटे सबके पास है, अगर मोदी साहब उसी 24 घंटे में इतना सब कुछ कर सकते हैं, अगर मैं और आप इतनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं तो वही तो टाइम उनके पास भी है ना। जबकि आदमी जितना सफल है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम निकालना पड़ता है उन चीजों के लिए जिसकी आप वैल्यू करते हैं, जो आपके लिए प्रायोरिटी है, आपका फैमिली हो सकता है, आपका पर्सनल लर्निंग हो सकता है, अर्निंग भी हो सकता है और पढ़ाई भी हो सकती है। टाइम सबके पास बराबर है, राइट? सो प्रायोरिटाइज करो अपने टाइम को, जो वेस्टेज है आपके पूरे शेड्यूल में उसको हटा दो। सो आप कुछ फॉर्मूला फॉलो करते हैं, इसमें बहुत सारे आजकल कोर्स आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के, बहुत सारी चीजें आ रही है, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? एक मेरे मेंटर हैं ब्रायन ट्रेसी, उनके साथ मैंने किताब भी लिखी, उनकी एक बुक है हाउ यू नो ईट दैट फ्रॉग, सो उसमें ABCD फॉर्मूला है, दैट्स व्हाट आई लव। ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं दिन की शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं ए से शुरू करता हूँ कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम क्या है जो या तो मुझे पैसा दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, या मुझे आगे लेके जा रहा है। बी द सेकंड इंपॉर्टेंट, फिर मैं वो काम दूंगा। सी जो थर्ड इंपॉर्टेंट है या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम्स द डी विच इज लाइक डेलीगेट, क्योंकि सभी चीजें खुद नहीं करनी होती तो डेलीगेट कर लो। ई कम्स फॉर एलिमिनेट, कि कुछ चीजों को तो हटाने की जरूरत है। आज मुझे याद नहीं है मैंने पिछली बार बैठ के टीवी कब देखा था, कोई मुझे आके पूछता है कि यार आईपीएल में सेमीफाइनल्स में कौन आया, फाइनल में कौन आया, और मुझे क्यों पता है कि फाइनल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कहीं मैं एक
इंडियन क्रिकेटर के साथ उनके मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन में इसलिए डेट पता चली कि भी फाइनल खत्म होने वाला है, तब तक मुझे पता नहीं था फाइनल्स कब है। कुछ बरसों पहले की बात है, मैं फ्लाइट में था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, धोनी कैप्टन थे, तो बाजू वाले अंकल बैठ के पूछते बेटा स्कोर क्या हुआ, और मैंने कहा कि किस चीज का, अरे तुम्हें नहीं पता आज इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच है। मैंने कहा अंकल माफ कीजिएगा बट यू नो वो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं उनके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मुझे भी खुशी होती है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उस दिन मैं भी प्राउड फील कर रहा था, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी दुकान बंद करके मैं सामने बैठ जाऊं चार घंटे के लिए। सो एलिमिनेट करो वो चीजों को जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में आपको तो चाय पीने को भी नहीं मिली है। एग्जैक्टली बहुत सही बात कह रहे हैं यार, आप सोचो यार मतलब, और आप स्ने भाई ऐसे नहीं कह रहे, बहुत सारी चीजें इन्होंने लाइफ में की है, मतलब आप देखो इनकी लाइफ को एनालाइज करो, मैं आपका यूट्यूब चैनल का लिंक डालूंगा, इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हो, बेस्ट सेलर है। सो बहुत सारी चीजें जब आप करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो वही करो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, अपने लिए विजुअलाइज करो कि अगर मैंने ये चीज कर ली ना तो मेरे साथ लाइफ में क्या क्या हो सकता है। Yes. कि मुझे अगर गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे सारे ऐशो आराम जो आपको चाहिए होते हैं, अगर आपको वो सारी चीजें पानी है तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, वरना आप नहीं पा पाओगे। एंड 1% क्लब ही वही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, लोगों को क्या लगता है पैसा हो गया तो पैसा ऐसे ही आ गया होगा इसके पास, बट सारा पैसा जिनके पास आया ना बहुत मेहनत किया, दैट्स व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली, मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहूंगा कि आज 36 साल की उम्र पे मैंने 12 बिजनेसेस डेवलप किए, 500 करोड़ के सारे टर्नओवर सबको मिला दूं तो है 100 करोड़ की नेटवर्थ को क्रिएट किया, जबकि शुरुआत माइनस से किराए के मकान से हुई थी। आज जो आप शार्क टैंक में देखते हैं वो लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, या जितने सेलिब्रिटीज को आप फिल्मों में देखते हैं वो सारे कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। कहने का मतलब इसमें से बस इतना ही है कि हुआ क्योंकि मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। तो या तो आप वो सेलिब्रिटी को टीवी पे देखो, या तो एक ऐसे इंसान बन जाओ कि जो आपको मिलना चाहे, साथ में सेल्फी खींच सको। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, और मैं आपसे इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज़ आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम अ किराए का हाउस। उस समय मैंने अपने घर के एक रूम से शुरू किया था, और धीरे धीरे चीजें अच्छी होती गई, और आज की डेट में मतलब मुझे लगता है कि इतनी चीजें हैं कि आई एम यू नो ब्लेस्ड की सारी चीजें, हम फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सारी चीजें लोग भी कर सकते हैं, अगर yes. आपने और हमने किया तो कोई भी कर सकता है, इट जस्ट कि आप अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट, और प्रायोरिटाइज करो यार चीजों को, यही है। और कोई अगर आप सोचते हो कोर्स ले लूंगा, 6 महीने में ये कर लूंगा तो लाइफ बदल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। प्रवीण होता क्या पता है, आज कोर्स खरीदने के बाद देखते नहीं है यार, ये हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी टीम बताती है कि उन्होंने कोर्स ले लिया है, 6 महीने से देख रहे हैं, 2 लेक्चर देखे, 3 लेक्चर देखे, देख रहे हैं। सी एक साइकोलॉजी है इसके पीछे, इट्स लाइक हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस है, ऑफर देखा 80% डिस्काउंट इसलिए शॉपिंग कर लिया, कबर्ड में जगह नहीं है, अलमारी भरी हुई है और वो 6 महीने से कपड़ा टैग के साथ पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं किया, बट वो टेम्पररी एम्प्टीनेस के लिए बाय किया। कोर्स देखा, कन्विंस हो गए यार ये तो जिंदगी बदलेगा, पैसा कमा के देगा, बाय कर लिया, अब उसको लगता है बाय करने से जिंदगी बदलने वाली है। सबसे बड़ी चीज, नोबडी वांट्स टू गिव दैट पेन। देखो सफलता की सीढ़ी ना ऊपर तो खाली है, नीचे सारी भीड़ है, सब देख रहे सपना कि उधर पहुंचने, बट वो सीढ़ी चढ़ने के लिए दर्द उठाना पड़ता है, और अगर आप वो सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आज की तारीख में भी सुबह 3 बजे उठ के फ्लाइट लेके अभी आपके सामने पॉडकास्ट पे खड़ा, और पूरा दिन चलने वाला है मेरा। पॉइंट इतना ही है कि इवन दो रीचिंग एट सर्टेन लेवल इन माय लाइफ, जिसमें मैं कह सकता हूं कि मैंने ज्यादातर लाइफ के गोल्स अचीव किए, बट 16 घंटे आज भी मैं काम करता हूं, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ तो छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जन्नत में जाना है तो मरना पड़ता है, मरना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है आज के समय में जितने डिस्ट्रैक्शन है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज में, बट जितना मैंने एनालाइज किया है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, दैट्स व्हाट यू नो प्रोजेक्टेड ऑनलाइन और सोशल मीडिया, तो वो चीज आपके पास आ जाती है। और मुझे ये चीज शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट ना मतलब इतना समझ नहीं आया, मुझे लगा कि यार जिस चीज को मैं पाना चाहता हूँ विजुअलाइज करूंगा, कुछ काम ना करूंगा तो वो मेरे पास कैसे आएगी। तो आप इसके बारे में क्या डिफरेंट टेक देना चाहते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो कैसे करता है?
जी, और उसको जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए? करेक्ट। आपने देखा होगा कि जब हम डिसाइड करते हैं कि होंडा सिटी खरीदनी है तो सड़क के ऊपर होंडा सिटी दिखना शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि होंडा सिटी ज्यादा है, बट क्योंकि हमने डिसाइड किया तो हमारा फोकस उसके ऊपर चले गया। एग्जैक्टली वैसे जब तक हम डिसाइड ही नहीं करेंगे कि 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ या 100 करोड़, तब तक उसके ऊपर फोकस नहीं जा रहा। हमें बाहर की दुनिया में 10 करोड़ और 100 करोड़ के रास्ते अवेलेबल है, लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर रहे। तो अगर होंडा सिटी डिसाइड करने से दिखना शुरू हो गया ना, तो 10 करोड़ और 100 करोड़ डिसाइड करने से उसके रास्ते और अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होगी ना। होगा अब डिसाइड करने से क्या होता है, हमारा फोकस और एनर्जी उस डायरेक्शन में जाने लगता है। नेचर जो है वो एक मिरर है, आईना है, वो हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। सो इफ राइट नाउ कोई कारण से हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी गई, नेचर उसे रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी लाइफ में और बुरी सिचुएशंस, बुरे लोग और बुरे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इफ यू आर पॉजिटिव, तो वही रिफ्लेक्ट होगा। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव सिचुएशन खड़ी होती है। अब ये अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, अच्छे दिनों में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, बट जो आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तब आप कितना उस सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं। सो बीइंग पॉजिटिव इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम, हमारी एनर्जी जो है, नेचर अगर उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना चाहिए। ठीक ठीक है। सो कहने का पॉइंट जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना ऑडियंस समझ पा रही है इस चीज को, कि आपको जो चीज चाहिए ना, उसको आप विजुअलाइज करो, आपका ब्रेन अपने आप रास्ते दिखाएगा कि आप कैसे पहुंच सकते हो, एंड यू हैव टू डू एक्शन। यस, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अब विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? सी, हमारा माइंड जो है उसे कभी ये नहीं पता चलता कि कोई चीज रियल है या कोई चीज आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, बिकॉज वो पिक्चर्स की भाषा को समझता है। विजुअलाइजेशन में अगर आपने इमोशन को ऐड कर दिया तो उसके लिए वो उतना ही रियल है। एग्जाम्पल, मूवी देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब वो पिक्चर्स की भाषा समझता है जबकि वो फेक है। तो अब आप अपना खुद का मूवी क्रिएट करो कि आपकी लाइफ अभी से 2 साल बाद और 5 साल बाद कैसी हो। व्हाट दिस डज इज, नंबर वन, कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, बट उससे भी बढ़कर के वो अंदर से भी आपको इंस्पायर और मोटिवेट करता है कि मुझे इस चीज के लिए काम करना है, क्योंकि काम किए बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं विजुलाइज करते रहूं कि मैं 90% ला रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं होने वाला। तो लोग यहां पे जो गलत हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो एक्शंस को साइड रख देते हैं, दे आर जस्ट विजुलाइजिंग द थिंग। यस, इस वजह से उनको रिजल्ट। करेक्ट। और विजुलाइजेशन का लॉजिक ये है दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड, देन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आज डिज्नीलैंड बाद में बना था, पहले डिज्नी ने दिमाग में उसको क्रिएट किया, या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स ने वो कंप्यूटर या आईफोन को पहले अपने माइंड में क्रिएट किया था। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि घर बैठे रहना है। ये बहुत बढ़िया बात की है। आई थिंक जो देख रहे हैं उनको अब समझ आ रहा होगा कि एक्शंस तो होते ही होते हैं, उसके बगैर नहीं होता। बट व्हेन यू विजुलाइज द थिंग, यू आर चैनलाइजिंग योर एनर्जी। यस, सो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाएगी जो आपको चाहिए। रास्ते तो ऑफ कोर्स उसके बाद देखेंगे, आप एक्शन करोगे चीजें होंगी। और मैं आपको एक एग्जांपल मतलब अपनी लाइफ में बताता हूँ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं कॉलेज में था, तो मैं जब देखता था जो लोग गाड़ी से आते हैं, मैं बड़ा फैसिनेटिंग होता था कि यार गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं अपने पास। मैं उस समय बस में ट्रैवल करता था। सो मैंने एक कागज में लिखा कि मुझे आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में एक गाड़ी चाहिए, एक अपना घर चाहिए, बैंक बैलेंस सही चाहिए। अब कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने लिखा। बट जब लिखा उसके बाद बहुत सारे आइडियाज आने लगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस जो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेस उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें दिमाग में आने लगी। एंड गेस व्हाट, 5-7 साल बाद, 5-6 साल बाद जब मुझे वो पेपर मिला, वो सारी चीजें हो गई। वाह, सारी चीजें हो गई। सो ये पावर है विजुअलाइजेशन का, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने का। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा अगर आप एक्शन लोगे, आज नहीं तो कल करेगा। आई थिंक ये चीज है इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, उसके लाइफ में बहुत सारे, वो चाहता है कि उसकी लाइफ में ना आए बट वो आते हैं, तो वो उसको कैसे रेजिस्ट करके रखे, उसके लिए क्या क्या चाहिए? आपने अभी भी टेक्निक एक्चुअली शेयर करी है, लिखना। मैं 17 साल की उम्र में 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। अच्छा। 4 दिन अकेले बैठ करके, बहुत मेहनत लगी थी। ठीक है। और बनाने के बाद तो ख्याल आया कि यार ये इस जन्म में हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। उतने बड़े बड़े गोल जो मेरे पास तब माहौल और रिसोर्सेस थे उसके मुताबिक होते।
जब तक मैं 26 साल का हुआ यानी कि 10 साल के अंदर 17 से 26 वो 101 में से मैं 99 गोल्स अचीव कर चुका था. दैट इंक्लूड्स 3 मर्सिडीज, BMW, 6 बिजनेसेस, 1,00,000 स्क्वायर फीट का घर, एवरीथिंग. अब लोग मुझे कहते हैं कि द कॉमन क्वेश्चन इज कैसे हुआ. इसका जवाब है जो अभी आपने बताया. जब आप कुछ लिखते हैं तो पहले तो मैं ये मानता हूं कि वो सिर्फ यहां पर नहीं लिखा जा रहा, यहां पर भी लिखा जा रहा है और वहां पर भी लिखा जा रहा है. और दूसरा, मैं टेक्निक यूज करता था, लिखो और उसे अपने सामने लगा के रखो, दिन में 3 बार उसे पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो. व्हाट दिस डज इज इट कीप्स यू फोकस्ड. अब रात को अगर आप पढ़ रहे हो ये मेरे गोल्स में ये अचीव करना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, तो उसके बाद संभावना कम हो जाती है कि आप वेब सीरीज देखने के लिए बैठोगे, क्योंकि अभी अभी अपने गोल्स पढ़े हैं. आप सुबह उठ के अपने गोल्स पढ़े हैं तो संभावना कम हो जाती है कि आप आलस करोगे कि यार मूड नहीं आ रहा, जाना नहीं आज क्लास में या ट्यूशन में. पॉइंट ये है कि अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो फोकस्ड हो जाओ उन चीजों पर जो आप अचीव करना चाहते हैं. बहुत सही, बहुत सही. अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्या ताजमहल देखा है एंड आपके माइंड में कुछ क्रिएट हो गया, और मैं आपसे कहूं कि आपने क्या अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कोई फोटो वीडियो कहीं मूवी में देखा हो, अब मैंने आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया तो ताजमहल हट गया. सही. तो ये नहीं कह सकते कि यार मुझे इससे दूर होना है, ये कहना पड़ेगा कि मुझे इसके करीब जाना है तो ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाओ. एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है. इट्स ऑल अबाउट फोकस. आप जैसा फोकस कर रहे हो, जैसी चीजों पर अपना ध्यान लगा रहे हो, वैसे ही आपकी लाइफ बनती चली जाएगी. Yes. और ये सही बात है कि जो भी बड़ी चीजें हुई हैं पहले किसी के दिमाग में हुई हैं, बाद में वो रियलिटी बनी, तो ये बहुत अच्छी बात है. और आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे सही माहौल है सक्सेस का. अर्लियर डेज में क्या होता था, बिलियनेयर बनते थे 60s में, 50s में, 70s में. नाउ डेज 30s में भी बिलियनेयर बन रहे, 20s में भी बन रहे. सो रिसोर्सेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर कम पैसे भी है तो भी कोई भी अच्छा कर सकता है. जस्ट दैट चीजें सीखना शुरू कर दो अगर लॉन्ग टाइम में सर्वाइव करना है. सो मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका चैनल है, लिखो कितने सब्सक्राइबर कब तक करोगे. अभी आपका कुछ अर्निंग है, लिखो आने वाले साल दो साल में कितने अर्निंग तक पहुंचना है, 5 साल में कौन सी गाड़ी होगी, कैसा घर होगा. स्टार्ट राइटिंग स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स. वो इवन एक शूज भी हो सकता है कि यार सपना है कि ये वाला शूज खरीदना है, सपना है कि यहाँ पर घूमने के लिए जाना है. मुझे पता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वो सब कुछ होता है. मैं आज 30 से ज्यादा देश घूम चुका हूं, और लिखा तब था कि साल का एक इंटरनेशनल ट्रिप लूंगा जब पासपोर्ट भी नहीं था. सही है, बिल्कुल सही बात. या फिर आज देखिए कि वो सारे सेलिब्रिटीज जिनके भी नाम लिखे थे कि मिलना है, कैसे नहीं पता था, बट वो संभव हो चुका है. और साथ में सेल्फी खिंचाए, स्टेज पे काम किया, यू नो वो इवेंट्स में आए. अर्निंग का जहां तक सवाल है तो वो तो मतलब अब वो गोल का लिस्ट देखते हैं ना तो हंसी आती है कि यार इतना छोटा लिखा था, उतना तो क्रॉस कर लिया. ये लिखने के अंदर पावर है, फोकस के अंदर ये पावर है. सो अभी ये सारी चीजों पर ना, क्योंकि कोई एजुकेशन है ही नहीं, इस वजह से उनको इनका पावर नहीं पता लगता कि हाउ पावरफुल इट इज, कि अगर आप फोकस सही कर लो तो लाइफ में क्या क्या हो सकता है. सो सक्सेस टिप्स, बड़ा ही ओवररेटेड क्वेश्चन है आज की डेट में. सक्सेस पे सारे अपना ज्ञान दे रहे हैं, बट मैं प्रैक्टिकल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर एक इम्प्लीमेंट हो सके चीज, आप क्या कहना चाहोगे टू इस व्यूअर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, क्या क्या चीजें वो करें ताकि उनकी लाइफ जिस भी फील्ड में वो काम करें, बी इट IAS बनना चाहते हो, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कॉमन सक्सेस का क्या मंत्र हो सकता है जो आपने अपनी लाइफ में एनालाइज किया है या इंप्लीमेंट किया है, वो क्या बताना चाहोगे. आपने प्रैक्टिकल वर्ड यूज किया है. Exactly. तो नंबर 1, सुबह जल्दी उठना शुरू करो. अब वो कहेंगे जल्दी उठ के करें क्या, हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को, मैं 5 बजे उठ भी जाऊंगा तो करूंगा क्या. अच्छा, कई लोग इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं कि 5 बजे तो मेरा न्यूज़पेपर वाला भी उठता है, उसने क्या बना लिया. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूं. उसका इजी आंसर है, सुबह जल्दी उठो क्योंकि आप उसके लिए जल्दी सोना शुरू करोगे. right. और रात को जग के कौन से पेड़ उखाड़ रहे हो. या तो वेब सीरीज, या तो चैटिंग, या तो सोशल मीडिया, तो चल रहा है. सही बात. और जब सुबह जल्दी उठोगे, मी टाइम में 2-3 चीजें होती है. एक एक्सरसाइज, दूसरा रीडिंग, लर्निंग. वो जो कोर्स खरीदा है ना अनशाला वाला, उसको खत्म करो. सही. तीसरा
आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो या अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। हर एक बड़ा इंसान है ना अपनी प्रैक्टिस करता है सुबह उठ के या कोई भी एक वक्त पे प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है। जो भी सिंगर्स को देख लो या बड़े बड़े सिंगर्स करते हैं आज के डेट में, जो भी राइट एक्टर्स को देख लो सब करते हैं। तो चाहे कंटेंट बनाना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए करनी पड़ेगी। अब सुबह जल्दी उठने से आप भीड़ से पहले तो अलग हो जाओगे और वो लोग जो आपका टाइम बिगाड़ रहे उससे आप अलग होना शुरू करोगे। ये जरूरत है सुबह जल्दी उठने की। नंबर टू, एसोसिएट विद सक्सेसफुल पीपल। और अगर आजू बाजू ऐसे कोई ना मिले ना तो पहले एटलीस्ट गधों से दूर हो जाओ। आपका इवन इस चैनल को फॉलो करना वो भी एक अच्छी संगत में रहने के बराबर है। अगर हफ्ते में आप एक वीडियो यहां पर देख रहे हैं तो जब तक रियल लाइफ में वैसे लोग ना मिले तो किताबों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छी चीजें सुनते रहो, बहुत फर्क पड़ता है। राइट, तीसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा, अगेन हम प्रैक्टिकल की बात करें तो तीसरी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल है वो है, मैं अपने आप के साथ वक्त निकालता हूं 30 मिनट सोचने के लिए कि मुझे जो अचीव करना है उसके लिए व्हाट्स माय प्लान। हम लोग खाना पकाने के लिए आदमी रख सकते हैं, गाड़ी चलाने के लिए रख सकते हैं, मगर सोचने के लिए आदमी नहीं रख सकते। और अभी का प्रॉब्लम पता है क्या प्रवीण, आपको देखा तो प्रवीण बनना है, मेरे को देखा तो स्नेह बनना है, विराट को देखा तो विराट बनना है, खुद क्या बनना है ये नहीं सोचा, कभी टाइम ही नहीं बताया अपने आप के साथ वक्त नहीं बताया, ये उसका प्रॉब्लम है। पहले के जमाने में इतने कंफ्यूज नहीं रहते थे जितने आज बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को वक्त मिलता था काम के बाद, किचन के बाद अपने आप के साथ बैठने का। अभी तो जैसे फ्री टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर दुनिया को ही देखते रहोगे, देखने से सीखने को मिल रहा है बट उसमें से फिगर आउट करना कि अब फाइनली मुझे क्या करना है और मैं कैसे करूंगा आगे, और हर दिन अपने आप के साथ बैठ के अपने आप से एक सवाल करना कि मुझे कहां इंप्रूव होने की जरूरत है, कल मैंने ऐसे क्या किया जो आज मुझे नहीं करना है या बेहतर करना है। ये क्वेश्चन कोई आके पूछे उससे बेहतर है अपने आप से पूछो। जब लोग मुझे एज ए कोच हायर करते हैं, एज ए मेंटर हायर करते हैं, चाहे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, तो लाखों रुपए की फीस देते, सवाल तो मैं तो वही करता कि भाई तुझे कहां इंप्रूव होने की जरूरत है, वही मुझे बता रहे हैं हाँ सर ये मैं नहीं कर पा रहा, तो वो सवाल खुद से पूछना शुरू करूंगा। एग्जैक्टली मतलब बहुत सही बात है यार कि आप खुद को ही नहीं जान पाए, और आज की डेट में तो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे देखा तो मेरे जैसे हो गए, आपको देखा तो आप जैसा बनना है, किसी और को देखा तो किसी और जैसा बनना है। सो आप क्या हो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, और वो चीज तभी आएगी जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड। इसके अलावा स्नेह भाई ने बताया कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, फोकस लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और रिसोर्सेज जितने भी है वो बहुत काफी है बहुत कुछ बड़ा बनाने के लिए। इवन आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख लो वो बहुत हम्बल बिगनिंग्स हुई है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो। सो बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में। सो थैंक यू सो मच भाई आप आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई थिंक इस सेशन से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा आप स्नेह भाई का चैनल जाइए देखिए, बहुत सारा कॉन्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, टाइम मैनेजमेंट पे फ्री में मिल रहा है, कोर्सेस खरीदने की भी जरूरत नहीं है। शुरुआत में तो कॉन्टेंट देखो सर का, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी। सो थैंक यू भाई, थैंक यू आपके आने के लिए। थैंक यू प्रवीण, मजा आया।